हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है आरबीआई एक्ट से, और आरबीआई के फंक्शंस हमें जो है आज पढ़ने हैं कि आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं। लेकिन आरबीआई के फंक्शंस को पढ़ने के लिए हमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को भी रेफ़र करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आरबीआई के फंक्शंस से। तो आरबीआई के फंक्शंस में सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 622 लाइसेंसिंग ऑफ द बैंकिंग कंपनीज। तो यहाँ पे कहा गया है बेटा कि सेव एज हेयर इन प्रोवाइडेड नो कंपनी शैल कैरी ऑन द बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया अनलेस इट होल्ड्स अ लाइसेंस issued in that behalf by the Reserve Bank and such license may be issued subject of such conditions as the Reserve Bank may think fit to impose। तो बेटा first line का हमारा section 22 का जो meaning है वो ये है कि इंडिया के अंदर किसी भी बैंकिंग कंपनी को अपना बैंकिंग बिजनेस रन नहीं करना है जब तक के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उसको लाइसेंस ना मिल जाए। तो बेटा यहाँ पे पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि बैंकिंग कंपनीज को इंडिया के अंदर अगर लाइसेंस कोई प्रोवाइड करवाता है तो वो है रिजर्व बैंक। ओके बेटा, प्लस दूसरा पॉइंट जो बना यहाँ पे, जब तक के आरबीआई के द्वारा आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक आप एक बैंकिंग बिजनेस को रन नहीं कर सकते हैं। इसी में अगली चीज समझते हैं। एंड सच लाइसेंस मे बी इश्यूड सब्जेक्ट ऑफ सच कंडीशंस एज द आरबीआई मे थिंक फिट टू इम्पोज। देखिए, आरबीआई आपको लाइसेंस तो देगा लेकिन आरबीआई भी आपको लाइसेंस ऐसे ही नहीं देगा। आरबीआई जब आपको लाइसेंस देगा तो उस वक्त कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें जो हैं वो आपसे मनवाएगा और वो कंडीशंस लगाएगा और उसके बाद कहीं जाके आपको जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। तो बेटा यहाँ पे पहले ही पॉइंट में हमने क्या क्या क्लियर कर लिया, आरबीआई लाइसेंस देता है, दूसरा लाइसेंस देने के साथ साथ कुछ कंडीशंस भी लगाता है, और तीसरा जब तक कि आरबीआई लाइसेंस ना दे तब तक आप अपनी बैंकिंग कंपनी का बैंकिंग बिजनेस रन नहीं कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो बेटा सेकेंड पॉइंट हमसे क्या कहता है, एवरी बैंकिंग कंपनी इन एग्जिस्टेंस ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम सच कमेंसमेंट एंड एवरी अदर कंपनी बिफोर कमेंसिंग बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया शैल अप्लाई इन राइटिंग टू द आरबीआई फॉर अ लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन। देखिए, अब इसको हम इलेबरेट करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बेटा यहाँ पे दो चीजों की बात कही गई है। पहली बात तो ये कही गई है कि अगर इंडिया में कोई बैंकिंग कंपनी है और अगर उसे बैंकिंग बिजनेस करना है, रन करना है, तो उसे इन राइटिंग यानी लिखित रूप में जो है तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए। कहाँ पे, आरबीआई में। किस लिए अप्लाई करेगा इन राइटिंग, ताकि उस बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस मिल जाए। ठीक है बेटा, इसी में दूसरा पॉइंट क्या बना आपका, जो यहाँ पे कहा गया था बैंकिंग कंपनी इन एग्जिस्टेंस एट ऑन द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये वाला क्या मतलब हुआ। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये तो 1949 के टाइम पे आया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उससे पहले इंडिया के अंदर कोई बैंकिंग कंपनी नहीं थी। बिल्कुल थी, इंडिया के अंदर उससे पहले भी बैंकिंग कंपनी चला करती थी। तो ऐसी कंपनी तो बिना लाइसेंस के ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, तो उनके लिए क्या प्रोविजन है बेटा, तो उनके लिए ये है कि जैसे ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कमेंस होता है, यानी जब से लागू होना शुरू होता है, तो उसी के 6 महीने के अंदर अंदर लागू होने के बाद, इस एक्ट के लागू होने के बाद, कमेंस होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में हैं, उन्हें भी अप्लाई कर देना होगा। किसको बेटा, आरबीआई को, कि आरबीआई की तरफ से लाइसेंस ग्रांट हो जाए ऐसी कंपनीज को। ठीक है बेटा, तो ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब
आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो यहां पे लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ ए बैंकिंग कंपनी इन एग्जिस्टेंस ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नथिंग इन सब सेक्शन 1 शैल बी डीम्ड टू प्रोहिबिट द कंपनी फ्रॉम कैरिंग ऑन द बैंकिंग बिजनेस अनलेस इट इज ग्रांटेड अ लाइसेंस इन परसुएंस ऑफ दिस सेक्शन और इज बाय नोटिस इन राइटिंग इनफॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक दैट अ लाइसेंस कैन नॉट बी ग्रांटेड टू इट। अच्छा, अब इसको इलेबोरेट करते हैं, इस लाइन को समझते हैं बेटा। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। यहां पे कहा गया है कि जितनी भी कंपनीज बेटा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया तब ऑलरेडी जो कंपनीज एग्जिस्टेंस में है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उन्हें अप्लाई करना होगा लाइसेंस के लिए। लेकिन प्रश्न ये है, क्या जब तक उन लोगों को लाइसेंस नहीं मिल जाता तब तक क्या वो अपने बैंकिंग के बिजनेस को जो वो इतने सालों से कर रहे हैं क्या अब उन्हें बंद करना होगा? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, अगर आरबीआई की तरफ से ये नोटिस आ जाती है लिखित रूप में कि हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे, आपकी कंपनी इस लायक नहीं है कि आपको लाइसेंस दिया जाए, तो इस सिचुएशन में वो बैंकिंग कंपनी अपने बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक कि आरबीआई की तरफ से कोई नोटिस नहीं आ जाती तब तक जो है वो अपने बैंकिंग बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। यानी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर आपको नहीं समझ में आया है तो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जिस वक्त आया उस वक्त ऑलरेडी कई बैंकिंग कंपनीज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस में थी, ऑलरेडी थी। तो जब तक उनको लाइसेंस नहीं मिलता है, उन्होंने अप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा, तो जब तक उनको लाइसेंस नहीं मिलता है तब तक भी वो कंटिन्यू अपना वर्क करेंगे, उन्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आरबीआई ने अगर ऑर्डर दे दिया कि अब हम आपको लाइसेंस नहीं देने वाले हैं, तो यस, इन दैट सिचुएशन यू कैन से कि ऐसी बैंकिंग कंपनी को अपने बिजनेस को बंद करना होगा। अब बढ़ते हैं बेटा थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है बेटा, बिफोर ग्रांटिंग एनी लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन द रिजर्व बैंक मे रिक्वायर टू बी सेटिस्फाइड बाय एन इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ द कंपनी और अदरवाइज दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, अगर जो बैंकिंग कंपनी है उसको लाइसेंस देना है, किसके द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा बेटा? आरबीआई के द्वारा। अगर आरबीआई लाइसेंस देना चाहता है बैंकिंग कंपनी को, तो उस बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस देने से पहले कुछ कंडीशंस जो है वो फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैंकिंग कंपनी उन कंडीशंस को फुलफिल करती हैं, तो इन दैट केस ओनली, उसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आरबीआई जो है वो लाइसेंस देगा। तो बेटा आरबीआई लाइसेंस कब देगा, कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी बैंकिंग कंपनी को? दैट द कंपनी इज और विल बी इन अ पोजिशन टू पे इट्स प्रेजेंट और फ्यूचर डिपोजिटर्स इन फुल एज देयर क्लेम्स एक्रू। तो बेटा पहली पॉइंट तो ये है कि कंपनी जो है वो अपने प्रेजेंट डिपॉजिटर्स और फ्यूचर में जितने भी डिपॉजिटर्स आने वाले हैं उन सभी को उनका क्लेम, उनका पैसा दे सके बैंकिंग कंपनी, ऐसी पोजीशन उस बैंकिंग कंपनी की होनी चाहिए। बैंकिंग कंपनी की पोजीशन ऐसी हो बेटा, उस बैंक ऐसे ही किसी भी कंपनी को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। पहली कंडीशन यही है कि क्या आप अपने प्रेजेंट डिपॉजिटर्स को पैसा दे सकते हो, क्या आने वाले फ्यूचर डिपॉजिटर्स को भी आप पैसा दे पाओगे, क्या आपकी पॉलिसीज ऐसी होंगी कि फ्यूचर को भी आप देख सकते हो। अगर हाँ, इन कंडीशन को आप फुलफिल करते हो तो बिल्कुल आपकी बैंकिंग कंपनी को जो है यहाँ पे लाइसेंस आरबीआई के द्वारा दिया जाएगा। सेकेंड जो यहाँ पे बी है, दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट लाइकली टू बी कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स। यानी कि कंपनी के यहाँ पे
आपकी बैंकिंग कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं, अफेयर्स यानी यहाँ पे मान के चलिए कंपनी जो भी काम कर रही है, जो भी पॉलिसीज बना रही है, वो पॉलिसीज, वो अफेयर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो प्रेजेंट डिपॉजिटर्स, फ्यूचर डिपॉजिटर्स, इन सब के इंटरेस्ट के डेट्रीमेंटल यानी इनको नुकसान पहुँचाए। अगर आप कंपनी के डिपॉजिटर हैं, अगर आप बैंकिंग कंपनी के डिपॉजिटर हैं, तो आपके इंटरेस्ट के विरुद्ध कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं बेटा सी पॉइंट की तरफ। सी पॉइंट कहता है दैट द जनरल कैरेक्टर ऑफ द प्रपोज्ड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विल नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ इट्स डिपॉजिटर। प्लस आपकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ऐसा हो कि आपकी बैंकिंग कंपनी कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं जाएगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आज की सिचुएशन में हम वेलफेयर स्टेट में हैं, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ भी है। आपकी बैंकिंग कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा हो कि पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट ना हो और डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए अब हम अगले पॉइंट को पढ़ते हैं, यहाँ पे डी पॉइंट जो है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। दैट द कंपनी हैज एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। देखिए आपकी कंपनी को, बैंकिंग कंपनी को ऐसे ही लाइसेंस आरबीआई नहीं देगा, मैंने आपको पहले ही कहा था। डी पॉइंट भी फुलफिल करना होगा, आपकी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका कैपिटल यानी पैसा, मनी, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। और ई वाला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक इंटरेस्ट विल बी सर्व्ड बाय द ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू द कंपनी टू कैरी ऑन द बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। मैंने अभी आप लोगों से कहा था हम वेलफेयर स्टेट में हैं, कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति, और सोसाइटी में कौन होता है, पब्लिक। यानी कहीं ना कहीं देखिए आपकी कंपनी को आरबीआई बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस तो सिर्फ और सिर्फ बेटा तभी देगा अगर आरबीआई को ये लगता हो कि हाँ आपकी बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस देने से पब्लिक इंटरेस्ट यानी कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उनको कोई ना कोई वेलफेयर होगा, तभी जो है आपकी बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये है आपका पॉइंट नंबर ई। देखिए जो जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, एनी अदर कंडीशन द फुलफिलमेंट ऑफ विच वुड इन द ओपिनियन ऑफ द रिजर्व बैंक बी नेसेसरी टू इंश्योर दैट द कैरिंग ऑन ऑफ बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया बाय द कंपनी विल नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। जो यहाँ पे ऊपर कंडीशंस लगाई गई थी उसके अलावा एनी अदर कंडीशन, यस आरबीआई, कोई भी अदर कंडीशन भी यहाँ पे आपके ऊपर इम्पोज कर सकती है, लेकिन वो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि ऐसी कंडीशन आप लगाइए उस बैंक पे जिससे कि पब्लिक इंटरेस्ट हार्म ना हो और डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट भी हार्म नहीं होना चाहिए। और हाँ एक और चीज़ समझ लीजिए, लाइसेंस देने का पावर किसके पास है, रिजर्व बैंक के पास। आपके ऊपर कंडीशंस लगाता है और जो है कंडीशंस लगाता है और फिर आपसे कहता है कि ठीक है अब आपको लाइसेंस ग्रांट किया गया है। लेकिन बेटा एक और चीज़, अगर आरबीआई के पास पावर है कि वो लाइसेंस दे रहा है आपको, ग्रांट कर रहा है, तो आरबीआई के पास ही पावर है कि आपसे लाइसेंस भी छीन सकता है। बेटा आरबीआई ने क्या कहा था कि आप बैंकिंग कंपनी अपना बैंकिंग बिजनेस बिल्कुल रन कीजिए, लेकिन हमने जो कंडीशंस लगाई हैं उन कंडीशंस को फुलफिल भी करते रहिए। लेकिन अगर आप, फोर्थ पॉइंट यही कहता है बेटा, जितनी भी कंडीशन सबसेक्शन वन जितने में भी जितनी कंडीशंस आपको आरबीआई ने बताई है, अगर आपकी बैंकिंग कंपनी उन कंडीशंस को नहीं फुलफिल करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो है आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जाएगा। कौन कैंसिल करेगा बेटा, आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा
आरबीआई के द्वारा, दिया भी उसी ने था, अब लाइसेंस ले भी वही रहा है आपसे। और मेन चीज, बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस मिलता किस लिए बेटा? ताकि वो बैंकिंग बिजनेस करे। अगर आप बैंकिंग बिजनेस ही करना बंद कर दें, इफ द कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन द बैंकिंग बिजनेस, अगर आप बैंकिंग का बिजनेस जिसलिए आपकी बैंकिंग कंपनी बनी थी आप वही नहीं करते हो अगर, तो ऐसे सिचुएशन में भी, इस कंडीशन में भी आपकी जो बैंकिंग कंपनी है उससे बेटा लाइसेंस छीन लिया जाएगा। अब अगले पॉइंट को अगर आप देखेंगे बेटा, पढ़ेंगे तो आई थिंक उससे ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको उसका मतलब सीधा सीधा बता देता हूँ। देखिए, अगर आरबीआई ने जो कंडीशंस बताई थी और यहाँ पे सेक्शन में जो कंडीशंस बताई हैं कि बैंकिंग बिजनेस करना चाहिए वगैरह वगैरह, अगर ये सब चीज़ें आप नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका लाइसेंस छीन लिया जाएगा। लेकिन लाइसेंस छीनने से पहले, लाइसेंस छीनने से पहले उस बैंकिंग कंपनी को, आरबीआई जिस बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस छीन रही है उसका लाइसेंस छीनने से पहले उस कंपनी को एक मौका देना होगा, एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी, ताकि वो बैंकिंग कंपनी कुछ नेसेसरी स्टेप्स ले सके, कुछ स्टेप्स ले ले, ताकि वो जो कंडीशंस आरबीआई ने बताई थी ना वो कंडीशंस को वो फुलफिल कर पाए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी होगी, पब्लिक इंटरेस्ट हार्म नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, आरबीआई लाइसेंस दे रहा है, लाइसेंस छीन भी रहा है, अगर उसकी कंडीशन आप नहीं मान रहे हो तो लाइसेंस छीन रहा है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया, अगर पब्लिक इंटरेस्ट हार्म नहीं होता है, डिपॉजिटर्स को नुकसान नहीं हो रहा है, तो थोड़ा आप डिले करिए लाइसेंस छीनने में, आप उस कंपनी को मौका दीजिए ताकि वो क्या कर सके बेटा, वो नेसेसरी स्टेप्स ले, और आपने आरबीआई ने जो कंडीशंस बताई थी, आरबीआई ने जो कंडीशंस बताई थी उनको फुलफिल करने का प्रयास करें। ठीक है बेटा, अब अगला फिफ्थ पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उसका मतलब बता देता हूँ आप लोगों को। फिफ्थ पॉइंट कहना चाहता है कि अगर बैंकिंग कंपनी ने अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस छीन लिया है, मैंने क्या कहा, बैंकिंग कंपनी जो है उसका लाइसेंस आरबीआई छीन लेती है, तो अब उस बैंकिंग कंपनी के पास क्या ऑप्शन है बेटा? बैंकिंग कंपनी के पास सिंपल सा ऑप्शन ये है कि वो बैंकिंग कंपनी आरबीआई ने जिस दिन लाइसेंस छीना है उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर, मैं रिपीट करना चाहता हूँ यहाँ पे, आरबीआई ने जिस दिन आपकी बैंकिंग कंपनी से लाइसेंस छीना उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप सीधा अपील कर सकते हो कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। द बैंकिंग कंपनी हुज लाइसेंस हैज़ बीन कैंसल्ड, दे मे फाइल एन अपील, दे मे गो फॉर एन अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप जा सकते हो, दैट ऑल्सो विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। तो ये था बेटा आपका सेक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 22, लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो बेटा यहाँ पे यही चीज़ समझ में आ चुकी है कि जो लाइसेंस देने का पावर है अलग अलग बैंकिंग कंपनीज को इंडिया के अंदर, वो आरबीआई ही देता है, और आरबीआई ही बोलता है कि कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें आप फॉलो करिए, अगर उन कंडीशंस को फॉलो करने के लिए तैयार है बैंकिंग कंपनीज तो बिल्कुल आरबीआई लाइसेंस देगा, और अगर उन कंडीशंस को आप कल को नहीं फुलफ़िल करते हो तो आरबीआई आपसे जो लाइसेंस है वो वापस भी ले लेगा। आपके पास ऑप्शन क्या है, क्या कर सकते हो आप बेटा? कुछ नहीं, आरबीआई के डिसीज़न के आने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील करिए। कहाँ पर अपील कर सकते हैं बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट में अपील कर सकते हैं। और हमने क्या क्या चीज़ें सीखी बेटा, कि अगर आपको अपनी कंपनी का बैंकिंग कंपनी बनानी है, बैंकिंग का बिजनेस करना है, तो बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते, और जो कंपनीज ऑलरेडी 1949 के टाइम पे बिजनेस कर रही थी वो, उनको भी टाइम दिया गया था, उन्होंने भी अप्लाई किया, उनको 6 महीने का टाइम दिया गया था कि जब से ये एक्ट अप्लाई होगा उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर जो है क्या करना है, उन्हें भी अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, तो यही चीज़ें थी इसके अंदर बेटा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा सेक्शन नंबर 22। ये बेटा फंक्शंस ऑफ द आरबीआई हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से एक
आज हमने देखा कि एक फंक्शन ये भी है कि वो अलग अलग बैंकिंग कंपनीज को लाइसेंस प्रोवाइड करता है बेटा। तो ये था फंक्शंस ऑफ द आरबीआई, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये एक शुरुआत है उसकी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।